हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। हमारे इस टू न्यूज चैनल पर सभी पल्स पुलिस साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके कुछ टॉप मोस्ट कमेंट। तो दोस्तों, कमेंट पढ़ने से पहले हमें आपसे कुछ अपने चैनल की फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वह भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट हमारे पास आया है आकाश शुक्ला जी का। आकाश शुक्ला जी का कहना है कि मेरा ट्रांसफर बॉन्ड हमारे पास है, वो हम सबमिट करें या ना करें। तो आकाश शुक्ला जी, आपको अब किसी की अपडेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए सबमिट करने का ऑप्शन है। आप अपना जो ट्रांसफर बॉन्ड है उसे सबमिट कर सकते हैं, आपको किसी अपडेट की आवश्यकता नहीं है। नंबर दो, राम प्रकाश जी का कहना है फिक्स्ड डिपॉजिट में अमाउंट कौन सा भरना है। राम प्रकाश जी, फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको अमाउंट वो भरना है जैसे हम बता रहे हैं। आप थोड़ा ध्यान से सुने, अगर आप का एफडी जो आपने की है फिक्स डिपॉजिट, इसकी डेट पूरी अगर 2013 में हो गई थी, यानी के ऑफिस बंद होने से पहले अगर आपका एफडी पूरी हो गई थी, तो आपको ब्याज धन वाला ही अमाउंट भरना है। और किसी कारणवश वो 2015-14-16 में अगर हुई है जब ऑफिस बंद हो गए थे, तो आपको केवल मूलधन ही भरना है मेरे दोस्त। इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि ये पल्स ऑफिस बंद होने से पहले जितने भी एफडी या आरडी पूरी हो गई थी उनको ब्याज धन भरना है, और जिनकी ऑफिस बंद होने के बाद पूरी हुई है तो उन लोगों को केवल मूलधन भरना है। इस बात का खास ध्यान रखें दोस्तों। सभी जिनके भी इस तरह के कमेंट हमारे इस कमेंट से रिलेटेड सवाल हैं, उनके लिए ये खास मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, अगला कमेंट फिर इन्हीं का है, राम प्रकाश जी का। इनका कहना है कि नॉमिनी के लिए क्या कोई अपडेट आई है क्या। तो राम प्रकाश जी, अभी नॉमिनी के लिए कोई अपडेट नहीं आई। नॉमिनी वालों के लिए जब कोई अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, अभी आप थोड़ा इंतजार करिए। और अगला कमेंट हमारे पास है मोहम्मद एजाज का। जिनके बॉन्ड ऑफिस में जमा है उनका क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इनका एक बड़ा सवाल है कि जिन लोगों के बॉन्ड ऑफिस में जमा हो चुके थे ऑफिस बंद होने से पहले, तो उन लोगों के लिए अभी कोई अपडेट नहीं आई है। और उन लोगों का हमसे बार बार यही पूछना है कि उन लोगों के लिए ये अपडेट कब आएगी जिन लोगों के बॉन्ड ऑफिस में जमा है। तो मेरे दोस्त, ये मेरा जहाँ तक अंदाजा है बहुत जल्द ही देंगे, क्योंकि इस 3 महीने के अंदर अंदर ही इन लोगों को ये भी जो लोग मर गए हैं उनके लिए भी अपडेट देनी होगी। तो वो भी अपने नॉमिनेशन की जितने भी कागजात हैं, जितने भी आरडीए हैं, वो सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन बहुत जल्द उम्मीद हो रही है कि जो मर गए हैं उनके नॉमिनी के लिए भी कोई नई अपडेट जल्दी ही आने वाली है। तो दोस्त, टच में रहिए, हम बहुत जल्दी आपको बताएंगे। तो अगला कमेंट हमारे पास है सुरेंद्र सिंह का। सुरेंद्र सिंह का बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं, पैसा कब मिलेगा। मेरे दोस्त, पैसा भी बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि पैसे देने की पूरी तैयारी, पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लेकिन अभी जो वेबसाइट उन्होंने पैसे देने के लिए बनाई है उसकी ओपनिंग नहीं की है। जब भी ये उस वेबसाइट की ओपनिंग करेंगे हम आपको जरूर सूचित करेंगे। और हम अपने कमेंटों के जवाब में बार बार यही बताते आ रहे हैं कि पल्स रिफंड आवेदन जिन लोगों के जा चुके हैं उन लोगों की संख्या लगभग 6 लाख के करीब है। तो इन 6 लाख लोगों को बहुत जल्दी ही ये पैसा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वेबसाइट बना चुके हैं, केवल अभी उसकी ओपनिंग है। और दो जो इन्होंने वीडियो बनाई है जिसमें ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको दोबारा आवेदन करना है दूसरी वाली वेबसाइट पर, तो वो वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो उसके माध्यम से ही हम आपको सूचित करेंगे
कि आपका पैसा कब मिलेगा। सुरेंद्र सिंह जी आपको जवाब मिल गया होगा, धन्यवाद। अगला जवाब, अगला सवाल है सतीश मनकेश का। सतीन मनकेश का कहना है, गुड सर जी, ओ यू आर वेलकम भाई सतीश जी, धन्यवाद। नंबर 7 रमजानी जी का कहना है, सर क्या मोबाइल पर भी फॉर्म अपलोड कर सकते हैं? रमजानी जी, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सेवी पल्स रिफंड कॉम इन पर जाकर आप अपने मोबाइल पर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यदि आपका मोबाइल जो है रजिस्टर्ड है, यानी कि आपका मोबाइल भी जो है, आपको यही देखना होगा कि वो अपडेट है कि नहीं है, तो आप कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आपका मोबाइल पंजीकृत होना चाहिए, आप अपने मोबाइल से भी आप बॉन्ड सबमिट कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने एक वीडियो हाल फिलहाल ही बनाई है। शायद आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देखें, इससे पहली वाली या इसके बाद वाली जरूर आपको मिलेगी वीडियो। और उस वीडियो में मैंने पूरा तरीका बताया हुआ है कि किस तरीके से आप लोग मोबाइल पर अपने बॉन्ड को सबमिट कर सकते हैं, उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप क्रम संख्याओं में बताया हुआ है, और ये भी बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड किए जाएंगे, और सारे तरीके मैंने दोस्तों उसमें बताए। तो आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि आप लोग मोबाइल पर अगर अपलोड करते हैं तो बहुत सही तरीके से अपलोड करें, और किसी वजह से कुछ गड़बड़ भी होती है तो उसका भी ऑप्शन उसमें दे रखा है, आप उसको भी सही तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाजत, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं एक लंबा सा जय हिंद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।